प्रॉपर्टी देखो, एक प्रॉपर्टी में गेम ओवर कर दूंगा, एक में तो नहीं होगा, पर देखना। किताबें बंद, क्या खोलना है? आंख खोलना है, नाक खोलनी है, कान खोलने हैं, दिमाग खोलना है, और मुंह जब बोलूंगा तब खोलना है। प्रॉपर्टी होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब तुम लोग कहोगे भाई ये क्या बवाल लिख दिया आपने, तो देखो कोई क्वेश्चन लेते हैं। वन से लेके टू तक एक्स डी एक्स, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इसका आंसर आएगा वही आंसर आएगा वन प्लस टू माइनस, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर होता, चलो इसको दे रखा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वही आंसर आएगा वन प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का। अब मैं ऐसे करके दिखाता हूं, प्रूफ हो जाएगा उसी बारे में। देखो तुम लोग भी कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री वन टू, आ गया टू क्यूब बाय थ्री, पता मेरे ने इसको कुछ हुआ है, मैंने शायद इसको गिराया विराया है, तो खराब ना हो गया, ये आ जाएगा एट बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री, आ गया सेवन बाय थ्री। अब ये वाला देखो, इंटीग्रेशन वन प्लस टू थ्री होता है, थ्री का इंटीग्रेशन क्या आएगा थ्री एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओ नहीं 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 रुको रुको रुको, ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जब खोलोगे होल स्क्वायर को तो ये आएगा नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स डी एक्स, जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा नाइन एक्स, सॉरी अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा नाइन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बाय टू। अब वैल्यू डालनी है, एक बार टू डाला, नौ दुनी अठारह, टू डाला दो दुनी चार दुनी आठ बाय तीन, टू डाला दो दुनी चार, चार छिक चौबीस, चौबीस बाय दो बारह, माइनस वन डाला नाइन प्लस वन बाय थ्री माइनस सिक्स बाय टू, ये वाला हिस्सा सॉल्व करोगे अठारह माइनस बारह आया छे, और इधर से एलसीएम लिया छे तीन अठारह, अठारह आठ छब्बीस, छब्बीस बटे तीन माइनस ये आया तुम्हारा दो बटे छे आया तीन, ये आया तुम्हारा तीन, मेरे ख्याल से तीन ही आना चाहिए यार। हाँ दो दुनी चार, नहीं यार क्या कर रहा हूं मैं, ये बारह आना चाहिए ना, बारह नहीं वन, सॉरी सॉरी छे बटे दो ही आएगा तीन, नौ प्लस तीन बारह, बारह प्लस एक बटे तीन, बारह प्लस एक बटे तीन ये कितना हो गया, नहीं नहीं यार गलत कर रहा हूँ सॉरी, क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूँ, छह बटे दो, नौ में से तीन घटाने हैं, नौ में से तीन घटाए छह, छह तीन अठारह, अठारह और एक उन्नीस बटे तीन, माइनस करा आ गया सात बटे तीन, यहां पे भी आंसर सात बटे तीन, यहां पे भी आंसर सात बटे तीन, तो ये बात तो पक्की हो गई आंसर बराबर है, और प्रॉपर्टी यही कह रही थी कि ये वाली चीज इसके बराबर है, चाहो तो चेक कर लो, प्रॉपर्टी यही कह रही थी, प्रॉपर्टी कह रही थी कि एफ एक्स की जगह एफ एफ जो फंक्शन का एक्स है उसमें एक्स की जगह अगर आप लिख दोगे ए प्लस बी माइनस एक्स, ए ये होता है बी ये होता है, तो वन प्लस टू माइनस एक्स अगर एक्स की जगह लिख दोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी क्लियर है मेरे प्रियजनों, किसी को कोई शक है प्रॉपर्टी में? नो सर।
अब इस प्रॉपर्टी से नो मस्त सर, होती है जादूगर्दी। जादूगर्दी देखो कैसे कि क्यों प्रॉपर्टी सीखी है, क्वेश्चन देखना। जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखना इसको आई मान लेते हैं कि हम आई का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अब देखो मैं कैसे करूंगा, प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी, इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन की वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्या कहते हो? ये पाई बाय टू माइनस एक्स, मैंने जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स को लिखा है जो कि प्रॉपर्टी से आया, ए प्लस बी माइनस एक्स। अरे एक बार बता देना ही कर। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें इसका इंटीग्रेशन निकालने को बोला। अब ये उस प्रॉपर्टी से निकलेगा, मुझे पता है निकलने को वैसे भी निकल जाएगा, पर उस प्रॉपर्टी से कैसे निकलेगा ध्यान से देखो, उसके फायदे कितने होते हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एफ एक्स है और एफ एक्स की जगह आप लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ए कितना है? जीरो है। बी कितना है? पाई बाय टू है। मतलब आप एफ एक्स की जगह लिख सकते हो एफ ऑफ जीरो प्लस पाई बाय टू माइनस एक्स। अगर एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स तो ये कितना आएगा? साइन स्क्वायर ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। मैंने क्या करा, बस एक्स की जगह वो वैल्यू लिख दी ना जो यहां पे लिखी हुई थी, एक्स की जगह ये वैल्यू लिख दी। तो इसका मतलब क्वेश्चन के आइडेंटिटी के हिसाब से, आइडेंटिटी के हिसाब से ये बराबर है जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स के। अभी क्लियर है शुभम भाई? यस ओके, ये मैंने बस सर, प्रॉपर्टी लगाई है, चाहो तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो अप्लाइंग प्रॉपर्टी। अब इससे होगा क्या वो देखो, पाई बाय टू माइनस एक्स साइन पाई बाय साइन स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स को जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री ध्यान में नहीं है वो देखेंगे। मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब तो यही होता है, और साइन पाई बाय टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो मतलब ये बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स के। कोई दिक्कत है इस चीज में? नो सर। ये तो हुई ट्रिग्नोमेट्री। अब जादूगर्दी देखो, जादूगर्दी ये है, इसको इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन टू मान लो। वन और टू को अगर तुम ऐड करोगे तो एलएचएस में तो आ जाएगा आई प्लस आई मतलब टू आई, और इधर आ जाएगा जीरो से पाई बाय टू साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस जीरो से पाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब जीरो से पाई बाय टू बाहर निकाल लूंगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? वन होता है। आ गया वन डीएक्स। ये तो आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स जीरो से पाई बाय टू। वैल्यू डालोगे आएगा पाई बाय टू माइनस जीरो पाई बाय टू। अगर टू आई पाई बाय टू के बराबर है, अगर टू आई पाई बाय टू के बराबर है तो आई की वैल्यू पाई बाय फोर आ गई, तो ये है उस इंटीग्रेशन का आंसर। समझ में आया भाई? सर एक सेकंड हो गया। देखो तसल्ली से देखो, फिर क्या पूछना है वो पूछना। क्लियर ठीक है, क्लियर है? सही सर, नॉर्मल
नॉर्मल मेथड से एक बार निकाल के बता देना कैसे करना। नहीं नहीं नॉर्मल मेथड से अभी नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। उसका रीजन ये है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, बोर्ड पे देखना, बुक मत खोलना अभी। क्वेश्चन नंबर वन क्लियर है, टू थ्री फोर सेवन नाइन सेवन नाइन सेवनटीन, ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। पर ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये लमसम हर क्वेश्चन में आगे आगे चल के यूज होती जाएगी। पर पहले ये प्रॉपर्टी देख ली तुमने, अब समझ में आनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल और करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। बुक मत खोलना प्लीज। सपोज तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है ये जीरो से वन एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने का कोई तरीका नहीं है, तुम बस वो लगा सकते हो बाय पार्ट और फिर इसे लंबा कर सकते हो। पर प्रॉपर्टी एक बहुत आसान तरीका दे देती है। देखो अगर मैं इसे आई मान लूं, ये अंदर जो लिखा है ये मेरा एफ एक्स है, और प्रॉपर्टी कहती है कि आप चाहे एफ एक्स लिखो चाहे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिखो। ए प्लस बी कितना है यहाँ पे, जीरो प्लस वन, ये ए है ये बी है, तो जीरो प्लस वन माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ वन माइनस एक्स। चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, इंटीग्रेशन सेम आएगा। मतलब अगर मैं इसकी जगह एक्स की जगह लिखू वन माइनस एक्स, और अंदर वाले एक्स की जगह भी लिखू वन माइनस एक्स, तो आंसर सेम आएगा, प्रॉपर्टी ये कहती है। अब देखो मैं प्रॉपर्टी का फायदा कैसे उठाऊंगा। ये हो गया वन माइनस एक्स, अंदर क्या बचा, अंडर रूट वन माइनस वन प्लस एक्स, वन से वन कैंसिल आउट हुआ, बच गया वन माइनस एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स। सॉल्व करेंगे आएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। इसका मतलब रूट एक्स क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स की पावर वन बाय टू, और एक्स रूट एक्स को क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स रूट एक्स को ये लिख सकता हूं थ्री बाय टू वन इंटू में एक्स की पावर वन बाय टू। ये हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाय टू, पावर एड हो जाएंगी। अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पहली बार करा रहा हूं इसलिए पूरा आंसर लिख के दिखा रहा हूं। ये आ जाएगा x की पावर 3 बाय टू बाय 3 बाय टू, ये आ जाएगा x की पावर 5 बाय टू बाय 5 बाय टू। ये लगा इधर और यहां आ गया 0, यहां आ गया 1। एक बार 1 डालेंगे एक बार 0 डालेंगे। क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्या कह रहे हो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पता कैसे चलेगा कि ये वाली प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में यूज करनी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी हर क्वेश्चन में करनी है अंटिल एंड अनलेस कोई दूसरी प्रॉपर्टी ना लग रही हो। ये हर क्वेश्चन में करनी है अंटिल अनलेस दूसरी प्रॉपर्टी ना लग रही हो। अब ये दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, वो इजी टू अंडरस्टैंड है। पहले मैं इन प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को बोला करता था यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, कि डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में आपको ये तो लगनी ही लगनी है कहीं ना कहीं। मतलब अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आया तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, कोई नहीं लग रही तो ये लगेगी। पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ाता था जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, पर मैं अभी तुम लोगों को स्ट्रक्चर वे में समझाना चाह रहा हूं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे इस प्रॉपर्टी से हो जाएंगे। क्लियर है भाई? लिमिट कॉमन ले सकते हैं? क्या कह रहे हो, लिमिट कॉमन ले सकते हैं? नहीं नहीं, लिमिट कॉमन लेना मतलब, हाँ जैसे आपने ले सकते हैं जो यहाँ पे हो रखा है, अलग अलग भी तो कर सकते हैं, तो वो इंटीग्रेशन वाला कॉमन भी ले सकते हैं।
किसी को अलग कर सकते हैं क्या कह रहे हो बच्चे? अलग कर सकते हैं अगर किसी मतलब सॉल्व करने का आ रहा हो तो उसको अलग करना, अलग अलग करना हो तो। अगर तुम कह रहे हो क्या हम इस ये जो ब्लू रखा है इसको प्लस कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे नीचे आपने किया है नीचे उसको डाउन करो। एक मिनट नीचे करता हूँ। हाँ बोलो। हाँ तो उसमें आपने जो वो ली है इंटीग्रेशन जो लिया है x x की पावर 1 बाय 2 माइनस x की पावर 3 बाय 2 5 बाय 2 तो उससे अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं अलग अलग करके के लिए। एक प्रॉपर्टी हाँ बोलो उसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी फिर। क्या कह रहे हो बच्चे? उन क्वेश्चंस में भी यही प्रॉपर्टी यूज होगी। हाँ ये दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यूज होती हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूनिवर्सल प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होते हैं आगे जाके, पर इससे क्वेश्चन इजी बन जाता है। देखो प्रॉपर्टी कहती है ये दो क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो फंक्शन का इंटीग्रेशन है, मेरे को याद नहीं है यार एक बार बुक खोल के देख लो। प्रॉपर्टी कहती है ये जो क्वेश्चन का इंटीग्रेशन है ये बराबर होगा सही लिख रहा था मैं वैसे, पर फिर भी साफ सुथरा लिख रहा हूं। 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर होगा एफ एक्स के, और इसका आंसर आएगा 0 अगर ये बराबर होगा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के। आओ इसका एग्जांपल दिखा देता हूं फिर दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा। सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है 0 से 2 पाई साइन क्यूब एक्स। पहले ये पहचान लो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू क्या है। जो 2 है तो ये लिमिट हर बार 0 से 2 पाई होगी। क्या कह रहे हो बच्चे? लिमिट हर बार 0 से 2 पाई होगी। कुछ भी हो सकती है। हाँ वैसे ये सवाल अच्छा है। तो क्वेश्चन में लिमिट जो मिलेगी तुम्हें वो मिलेगी मोस्टली पाई 2 पाई 4 पाई, बस मेनली पाई या 2 पाई। अगर लिमिट पाई या 2 पाई है ऊपर और नीचे है 0 तो चांसेस हैं इसके लगने के, इस वाली प्रॉपर्टी के, वरना ये नहीं लगेगी। अब देखो क्वेश्चन में मुझे देख के ये पता चल गया एफ एक्स है मेरा साइन क्यूब एक्स, 2a है मेरा 2π और 0 तो मेरा 0 ही है। ठीक है अब प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो कैसे लगाऊंगा। सबसे पहले ये चेक करूंगा कि फंक्शन के साथ खेला कौन सा हो रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, कंडीशन कौन सी वेरीफाई हो रही है। जो कंडीशन वेरीफाई हो रही है उस हिसाब से चेक करेंगे। तो दो कंडीशन है, एक ये वाली कंडीशन है एक ये वाली, दोनों में मुझे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालना है। देखो निकाल के दिखाता हूं। एफ ऑफ 2a कितना है, 2a है 2π माइनस एक्स निकालना। इसको निकालने से पहले मुझे एफ एक्स भी तो पता होना चाहिए। एफ एक्स है साइन क्यूब एक्स। देखो निकाल के देखता हूं 2π माइनस एक्स, ऑब्वियसली निकालने का तरीका होगा एक्स की जगह 2a 2π कैसे है, 2a 2π है क्योंकि 2a की जगह पे 2π लिखा हुआ है। कंपेयर करा सिंपल। अगर क्वेश्चन ऐसा है अगर 2π लिखा हुआ तो फिर तुम 4π लिखेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ये 2a का मतलब ही 2π है। वो ये नहीं कह रहा ये a है, इस 2a को 2π कंपेयर करके चलना है तो ही आइडेंटिटी काम करेगी। मतलब जो ऊपर हमारा अपर लिमिट होगी उसमें 2 होगा।
हाँ ये 2a के बराबर है, ये हमेशा 2a के बराबर ही कंपेयर करना है इसे। अगर यहाँ पे ये लिखा रहता, जैसे आपने, अगर यहाँ जीरो में पाई लिखा होता तो 2a की वैल्यू पाई होती। अच्छा, जो ऊपर लिखा, ऊपर आपने फॉर्मूला समझ नहीं आया मुझे वाला फॉर्मूला ढंग से। मैंने ये देखो, क्वेश्चन ने तुम्हें फिक्स नहीं बोला कि 2a का क्या होगा, 2a होगा तो a क्या होगा, उसने बोला है कोई भी क्वेश्चन अगर 2a की फॉर्म में आप एज्यूम कर रहे हो, तो मैं इसे एज्यूम कर रहा हूं 2a की फॉर्म में, तो मैं 2 पाई को 2a मान के चल रहा हूं। करने को तो तुम किसी को भी मान लो, तुम 0 से पाई बाय 4 को 2a को पाई बाय 4 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, a की वैल्यू पाई बाय 8 आ जाएगी, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तो हमेशा उन्हीं क्वेश्चन को एज्यूम किया जाता है जिनसे कुछ फायदा निकल रहा है, और फायदा तभी निकल रहा है जब 2 पाई लिखा हो उसको 2a के बराबर एज्यूम कर लो। ऐसे पे अगर पाई लिखा हो तो क्योंकि इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड करेंगे फिर भी वही आएगा। हाँ तो बिल्कुल वो भी, हाँ तो तुम क्या कह रहे हो, वो है प्रॉपर्टी वैलिड, तुम क्या कह रहे हो? मतलब दोनों प्रॉपर्टी में सेम ही तो आ रहा है इसके अंदर। अच्छा तुम ये कह रहे हो दोनों प्रॉपर्टी में सेम ही तो वैल्यू आ रही है इसके अंदर। अच्छा बात तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हारी हल्की सी कंफ्यूजन जो है वो इसलिए है, मैंने पहले जो प्रॉपर्टी बताई उस प्रॉपर्टी से ही ये प्रॉपर्टीज निकल के आई हैं, तो इसीलिए तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। पर अभी तुम्हें पता चलेगा मैं ये क्यों बता रहा हूं। एक पल के लिए देखो, साइन 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स तो मेरा एफ एक्स के बराबर था, तो यह आ गया माइनस एफ एक्स। अब एफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर आ रहा है माइनस एफ एक्स के, मतलब नीचे वाला केस हो रहा है, उस केस में आंसर आता है जीरो। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का जो आंसर आया वो आ गया जीरो। दोबारा समझा रहे हैं, देखो एफ एक्स ये था 2a, मैंने इसको माना, क्वेश्चन ने बोला अगर f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा, और अगर उसके पॉजिटिव के बराबर आ गया तो ये हो जाएगा। इसे ऐसे तो सॉल्व कर नहीं पाने वाला था मैं, मैंने प्रॉपर्टी लगाई साइन क्यूब एक्स में, मैंने जब डाला 2a माइनस एक्स, मतलब 2a कितना है, 2 पाई है, तो जब डाला 2 पाई माइनस एक्स तो आंसर निकल के आया माइनस साइन क्यूब एक्स। इसलिए आया क्योंकि साइन 2 पाई माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स के, तो माइनस साइन एक्स का क्यूब आ गया माइनस साइन क्यूब एक्स, जो कि हो गया माइनस एफ एक्स। अब ये इससे बराबर है तो मेरी सेकेंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आंसर आ गया जीरो। ये वन मार्कर क्वेश्चन है। सर अगर लिमिट इसमें दी होती जीरो से पाई थी क्या करते? जीरो से पाई, अच्छा तो हम यहाँ 2 पाई की जगह पाई लिख के चेक करते तो पॉजिटिव आता। अब मैं पाई लिख के भी करके दिखा देता हूं, तुमने बोल ही दिया तो ये क्लियर है। एक बार एग्जांपल दे दूं दोनों का। चलो मैं एक काम करता हूं ना, दोनों का ही एग्जांपल दे देता हूं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन होता जीरो से पाई साइन क्यूब एक्स डीएक्स, तो मेरा 2a कितना है, इस बार 2a है मेरा पाई और एफ एक्स है मेरा ये सेम, एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स है मेरा ये साइन क्यूब एक्स और एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और 2a कितना है, 2a पाई के बराबर है इस क्वेश्चन में, तो ये हो गया पाई माइनस एक्स, ये आया साइन क्यूब पाई माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का होल क्यूब। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, आ गया साइन एक्स का होल क्यूब, मतलब साइन क्यूब एक्स। तो जहां से शुरू हुए थे एफ एक्स तो यही था ना, मेरा एफ पाई माइनस एक्स बराबर आ गया एफ एक्स के, तो कौन सी वाली कंडीशन लगी, ऊपर वाली। ऊपर वाली कंडीशन क्या कहती है, ऊपर वाली कंडीशन ये कहती है, ये कहती है 2 0 से a हो जाएगा और fx fx ही रहेगा, तो
अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा आइडेंटिटी का यूज करके 2 0, अगर 2a पाई के बराबर है तो a आ गया पाई बाय 2 साइन क्यूब एक्स डीएक्स, और अब इसे सॉल्व कर देंगे। क्लियर है भाई? अब आगे क्या करेंगे ये मत पूछना, मैंने एग्जांपल दिया, बस इतना देखो उस प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्जन कैसे करते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करके कन्वर्जन कैसे करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारी कंडीशन क्या लग रही है f2a माइनस x की, और 2a की तुम्हें दो ही वैल्यू मिलेंगी पूरी एनसीईआरटी के अंदर, पूरे क्वेश्चंस के अंदर, या तो पाई या 2 पाई। देखो भाई ये मैंने तुम्हें अगली प्रॉपर्टी क्लियर करी है, बताओ मतलब अगर हम डिस्टिंग्विश करें फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को, तो मतलब जहां नीचे लोअर लिमिट में 0 आ रहा है वहां सेकंड लग जाएगी। हाँ यार, वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना एक प्रॉब्लम हो रही है, ये वो जो विंडो से मैंने बताया ना ऑडियो का ड्राइवर खराब हुआ है, तो मेरे को एक ईयरफोन की जरूरत पड़ेगी जो मैं लैपटॉप में प्लग करके सीधा कान में सुन सकूं बढ़िया। अभी तो नहीं है, इमीडिएट मंगानी पड़ेगी। तुम लोग तुम जोर से बोलो थोड़ा। कोई नहीं बोल रहा। आवाज नहीं आई थी क्या मेरी? आवाज कुछ तो पता था कि तुम बोल रहे हो, पर ये नहीं पता था क्या बोल रहा। बोलना मैं कह रहा हूँ जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें मेन डिफरेंस मतलब यही है कि जिस क्वेश्चन में लोअर लिमिट में 0 आ गया तो सेकंड प्रॉपर्टी की ज्यादा चांसेस है। हाँ ये ना बात समझ में आई अब तुम्हें, अगर लोअर लिमिट में 0 आ गया और अपर लिमिट में पाई या 2 पाई लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी का देखो, जैसे कि यहां देखो एक प्रॉपर्टी लगाने के बाद नया क्वेश्चन बन गया, देखो ये देखो, तो ऐसे प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो सॉल्व यूनिवर्सल प्रॉपर्टी से ही होंगे मैक्सिमम टाइम्स, पर जब भी नीचे 0 लिखा हुआ है और ऊपर या तो पाई लिखा हुआ है या 2 पाई लिखा हुआ है तो पक्का इस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो जाएगा और क्वेश्चन इजी बन जाएगा कन्वर्जन होके, जब एक्सरसाइज कराने लगूंगा तो समझ भी आएगा। अभी मैंने तुम्हें दो एग्जांपल दिखा दिए, एक एग्जांपल ये वाला 2 पाई वाला और शुभम भाई के कहने पे एक एग्जांपल ये वाला। अब ऐसी एक और कन्वर्जन की प्रॉपर्टी बताता हूं जो क्वेश्चंस को इजी बनाती है, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराती है, हाँ अगर सीधा 0 आंसर आ रहा है तो करा देती है, पर ये क्वेश्चन को इजी बनाने में मदद करती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखो, अगर तुम्हारा माइनस ए से ए दे रखा हो एक मिनट यार इसको ना नीचे लिख तो ऐसे तो मतलब जो पहले वाली जो प्रॉपर्टी है वो हर जगह यूज होगी। हाँ, तो हर जगह यूज होगी, जो क्वेश्चन मैंने लिखे उनमें तो होगी, वो बाकियों में भी यूज होगी, पर वो मैं तुम्हें भी करनी सिखाऊंगा, पहले जो मैंने बता दिया उनमें तो तुम खुद ही कर लोगे वो मुझे पता है, पर वो भी मैं ही करवाऊंगा। आओ अभी देखो, उत्कर्ष ने चैट पे कुछ लिखा है, आई थिंक ऊपर नाम लिखा है उत्कर्ष, नहीं ओके चलो मैं अब तुम्हें वो दूसरा वाला जुगाड़ बताता हूं, यही बता दूं मैं सोच रहा हूं ना, पर वो छोटा दिखेगा नहीं। चलो देखो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स जब लिखा रहेगा तो भी दो जुगाड़ लगेंगे, दो कंडीशन है, देख लूं मैं, मुझे भी याद नहीं है। एक कंडीशन है अगर तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है एफ एक्स के तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में, और अगर तुम्हारा एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर है माइनस एफ एक्स के तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 0। कन्वर्जन है ये, हेल्प करते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने में। क्लियर है? इसका एग्जांपल दू, लिमिट क्या गया इसमें माइनस से एक, क्या कह रहे हो बच्चे?
लिमिट क्या है? लिमिट है माइनस ए से ए, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अगर क्वेश्चन दे रखा होता माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, एक तो क्वेश्चन देखते ही लिमिट देखते ही पता चल रहा है कि इससे जुड़ा हुआ है, इस वाली प्रॉपर्टी से, तो और अंदर लिखा होता सपोज कॉस एक्स, तो मुझे बताओ जरा, चलो कॉस एक्स नहीं साइन एक्स लेते हैं, पहले आसान वाली चीज बताता हूं। ये मेनली काम ट्रिग्नोमेट्री पे ही करती है, हालांकि ये वाली तो नॉर्मल में भी कर जाती है। अगर साइन एक्स, अच्छा बताओ मुझे ये वाली कंडीशन चेक करो, एफ एक्स मेरा इस क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स है, इस वाली आइडेंटिटी में कंडीशन ये वाली चेक होती है एफ माइनस एक्स वाली। जरा मेरे को बताओ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मुझे निकालना है, ये अलग प्रॉपर्टी है, हाँ ये दूसरा कन्वर्जन है, साइन ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा, साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स के, हो गया माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा जो है वो आ रहा है माइनस एफ एक्स के बराबर, और जब ऐसा होगा तो ये सेकंड केस चालू हो जाएगा और आंसर आ जाएगा जीरो। क्लियर है? यस सर। सेम, देखो ऑलमोस्ट सेम है दोनों प्रॉपर्टीज, इसीलिए मैंने अगल बगल में लिख के दिखाई है। इन्हें बोलते हैं कन्वर्जन प्रॉपर्टी, कोई नहीं बोलता ऐसा, मैं बोलता हूँ कन्वर्जन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेरे को पता है कन्वर्जन करने में ही हेल्प आती है, या तो एक नंबर का एमसीक्यू सॉल्व करने में आती है हेल्प जिसका आंसर जीरो होता है, या फिर सॉल्व करने में। अगर तुम्हें कभी भी एक नंबर का एमसीक्यू दिख रहा है उसके अंदर तुम्हें लग रहा है कि या तो जीरो से टू ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है या माइनस ए से ए वाली, समझ जाना आंसर जीरो ही आ रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर है भाई? आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बार ना, एक बार तुम लोग एनसीईआरटी खोल लो, अब खोल लो 7.11। सेवन पॉइंट इलेवन खोल लो, मैं 10 तक गिनती आ रहा हूं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। कोई है जिसने अभी तक एक्सरसाइज नहीं खोली? ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, मैं लिमिट देख के बता सकता हूं कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मैं जो बोल रहा हूं वो क्वेश्चन देखना अपनी आंखें, जहां बोलूंगा वहां लगानी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, शुभम भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी देख के क्या लग रहा है, लिमिट देख के बताओ। थर्ड प्रॉपर्टी माइनस ए से, शुभम भाई ने बोल दिया, हमें नहीं पता आगे क्या आएगा, पर देख के हल्की सी भनक तो लग रही है, हल्का सा अंदाजा तो लग रहा है, गलती होगी तो होगी पर यही अंदाजा मुझे चाहिए, सीखेंगे तो गलती कर करके पर अंदाजा चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 कपिल शर्मा, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जीरो से पाई है, क्या लगता है? फर्स्ट वाली, जीरो से टू ए वाली। क्वेश्चन नंबर 13 आफ्ताब भाई क्या लगता है? एक मिनट सर, ओए इसने अब तक बुक ही नहीं खोली है, झूठ बोल रहा था ये। हाँ तो मैंने बोला तो नो सर, मैंने बुक नहीं खोली थी, सुनाई नहीं दिया है। अरे सर फर्स्ट प्रॉपर्टी वो बोल ली थी आपकी, ए प्लस एक्स माइनस, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट रुकना आफ्ताब, पीयूष ने कुछ बोला, पीयूष क्या बोला तुमने? आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो नहीं थी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स? हाँ वो तीन प्रॉपर्टी करा चुके हो ना अभी तक? हाँ तीन करा चुका हूँ। तो फिर सर ये थर्ड, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे थी? नहीं फर्स्ट, सेकंड थी,
फर्स्ट मत, हाँ हाँ मतलब ये कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं अभी, मैं अभी वो प्रॉपर्टी नहीं लगवा रहा, सिर्फ कन्वर्जन पूछ रहा था। हेलो सर। हाँ आफ्ताब भाई सॉरी यार, पीयूष कुछ पूछ रहा था, बोलो क्या बोल रहे हो। 13th क्वेश्चन में टॉप राइट कॉर्नर में जो है वो वाली। हाँ टॉप राइट बोले ना, माइनस ऐसे ए वाली। मनीष भाई क्वेश्चन नंबर 14th में क्या होगा? सर सेकंड वाली, जीरो से टू ए वाली। हाँ जीरो से टू ए वाली, बढ़िया। तो समझ में आ गया वो अच्छा भाई, तुम्हें मैंने मस्त माशाल्लाह मसाला डाल के प्रॉपर्टीज और कन्वर्जन अलग अलग करके बता दिए। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी का जादू देखो। एक से लेके पांच तक अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो जादूवर्दी ये कहती है कि पहले उसका एक से लेके दो तक निकाल दो और फिर उसका दो से लेके पांच तक निकाल दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो पहले एक से लेके दो तक निकाल दो, फिर दो से लेके तीन तक निकाल दो, फिर तीन से लेके पांच तक निकाल दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो एक से लेके चार तक निकाल दो, फिर चार से लेके पांच तक निकाल दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? एक से लेके पांच तक इंटीग्रेशन होना चाहिए, बात वो है। और इस इंटीग्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो बुक लिखती है वो ये लिखती है, जो बुक लिखती है वो ये लिखती है कि a से c एफ एक्स का इंटीग्रेशन बराबर होगा a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस b से c एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी यूज होती है मोस्टली मॉड्यूलस के क्वेश्चंस में, और मॉड्यूलस का क्वेश्चन एग्जाम में चार नंबर और छह नंबर दोनों में देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखेंगे, एग्जाम्पल भी समझ लो और फाइनल क्वेश्चन भी समझ लो एग्जाम का, यही आता है। कुछ और अगर होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, पर अभी के लिए यही मटीरियल है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, वन से लेके फाइव तक इंटीग्रेट करना है मॉड्यूलस एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वन से लेके फाइव एक्स माइनस थ्री डी एक्स। भाई मॉड्यूलस एक्स का तो मैंने तुम्हें कोई इंटीग्रेशन सिखाया नहीं, तो ऑब्वियसली फंक्शन को डी कोड करना पड़ेगा, और मॉड्यूलस को डी कोड करना हमने पहले भी सीखा है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में, पर मैं एक बार फिर बता देता हूं। तो नॉर्मली मॉड्यूलस एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी और पॉजिटिव x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। तो अगर मैं मॉड्यूलस x माइनस थ्री की बात करूं तो ये फंक्शन कुछ ऐसा चलेगा, देखो ये थ्री के रिस्पेक्ट में जीरो हो रहा है तो x इक्वल टू थ्री पे जीरो हो रहा है, तो जब x की वैल्यू थ्री से छोटी डालोगे तो ये खुलेगा नेगेटिव में ताकि फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाए, और x की वैल्यू 3 से बड़ी डालोगे तो ये खुलेगा पॉजिटिव में। हालांकि मैं ये पहले भी बता चुका हूं, पर किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा तो अब इससे, इस फंक्शन को मैंने जो डीकोड करा नीचे, उससे मुझे एक हिंट मिलता है, और हिंट ये मिलता है कि मुझे इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से ब्रेक करूंगा तो कुछ फायदा हो सकता है। एक से लेके तीन तक और तीन से लेके पांच तक, एक से लेके तीन तक जब इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तुम्हें पता है एक से लेके तीन तक, तीन से जब छोटी वैल्यू है तो ये माइनस के इक्वल है, तो इसे तुम लिख सकते हो वन से लेके तीन तक मॉड्यूलस खुल जाएगा और ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और तीन से लेके पांच तक मतलब तीन से बड़ी वैल्यू के लिए तुम्हें पता है ये पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम लिख सकते हो तीन से लेके पांच पॉजिटिव एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, कुछ ज्यादा तिगड़मबाजी नहीं करनी है। ये तुम्हारा आ गया, माइनस बाहर निकाला
इसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एक्स, यहां लिखा वन यहां लिखा थ्री, इस साइड वाला पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एक्स, यहां लिखा थ्री यहां लिखा फाइव, वैल्यूज पुट कर देंगे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम लोग पिछली एक्सरसाइजेस कर चुके हो, तो मुझे नहीं लगता मेरा सॉल्व करना यहाँ पे टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा क्योंकि तुम्हें वो चीज ऑलरेडी आती है। तो मुझे ये बताओ ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? मोड में लगेगी ना ये 99% मोड में लगेंगी, मैं तो 100% बोल देता पर अभी मेरे दिमाग में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज को लेके कि सिर्फ मोड में ही लगेंगे, पर एनसीईआरटी लेवल पे तो सिर्फ मोड में ही लग रहे हैं। ऑब्वियसली मैं सभी क्वेश्चन नहीं जानता हूँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यूज तो तुम इसे कहीं भी कर सकते हो पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मॉडुलस में ही लगेगा, ये बात 100% है। ठीक ये है प्रॉपर्टी बी। ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी, ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टी ए। ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टी ए और मैंने सिखाया तुम्हें कन्वर्जेंस, दो कन्वर्जन, उनको भी प्रॉपर्टी काउंट करते हैं पर मैंने उन्हें कन्वर्जन मान लिया क्योंकि वो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के काम आते हैं, एक ये और एक ये। भाई ये चार चीजें क्लियर है? ये तुम्हें करने हैं क्वेश्चन, ये जो तुम्हें दिख रहे होंगे यहां पे लिख लो चाहो तो इसे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 9 और ये शायद 17 लिखा हुआ है, और इसके अलावा मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। ये वाली क्लास को अभी अभी क्लास एंड होने के बाद एक बार ये जो चारों प्रॉपर्टीज मैंने बोली इन्हें लिखने की कोशिश करना, ऐसा नहीं है इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, एक दो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है पर वो मैं तुम्हें क्वेश्चन करते करते बता दूंगा, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की मेमोरी को फुल नहीं करना चाहूंगा, वो चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है पर उसके लिए मैं एक अलग से प्रॉपर्टी तुम्हें याद कराने की कोशिश करूं दैट्स नॉट फेयर आई बिलीव, वो क्वेश्चन कराते कराते मैं तुम्हें समझा दूंगा। बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ये है, अगर तुम इनको करने के बाद ये क्वेश्चन कर लेते हो और मॉडुलस वाले क्वेश्चन कर लेते हो तो दोनों प्रॉपर्टी तो क्लियर हो जाएंगी। कन्वर्जेंस के लिए मैंने तुम्हें वो लिमिट्स दिखा दी हैं कि लिमिट देख के तुम्हें पता चल रहा है, स्टिल अपनी तरफ से फ्री हो तुम लोग थोड़े एग्जांपल देखो बुक में जो प्रॉपर्टीज लिखी है वो भी रीड करो, क्या पता तुम्हारे दिमाग में कोई पॉइंट आए कि अरे भैया ने तो ये गलत बताया था, या तो मुझे तो इस पे शक आ रहा है गलत नहीं तो चलो ये बताया था कि ये वाली प्रॉपर्टी कैसे हुई ये कैसे हुआ, फ्री हो तुम एक्सप्लोर करो बुक को एक्सप्लोर करो। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हरी में रैप नहीं करा सकता, इवन इसके सभी क्वेश्चंस आगे इंपॉर्टेंट आएंगे तुम्हारे समझ के लिए, आना तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन होंगे शायद 1-2 पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हमें सब कुछ सीखना है तो फ्रीडम तो खुद को एक्सप्लोर करो पर ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये और मॉडुलस वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्लास को यहाँ पे रैप कर रहा हूँ, बाय गाइस गुड नाइट। मजा आ गया।